देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यू नो, इन जनरल अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें एंड वी आर नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फील्ड, दीज आर ऑल नथिंग बट इंसुलेटर्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटिंग सॉलिड्स. सो बिफोर आई रियली स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहाँ पे हम लोग दो इक्वेशंस डिराइव करेंगे, वन इज कॉल्ड द क्लॉसियस इक्वेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड द क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन. ठीक है, तो अगर आप लोग कोई भी एक मटीरियल लोगे, ओके, एंड इफ़ यू वांट टू यू नो डिफरेंशिएट दीज मटीरियल, सो अगर हम मटीरियल लेंगे एंड इफ़ आई रियली वांट टू डिफरेंशिएट दीज मटीरियल, वी कैन डिफरेंशिएट देम इनटू थ्री कैटेगरीज इन जनरल. ठीक है, एक हो गई अपनी सॉलिड, ठीक है, दूसरी हो गई अपनी लिक्विड, ओके, एंड तीसरा हो गया गैस. सो आई एम राइटिंग गैस इन अ डिफरेंट कलर बिकॉज ये जो गैस होती है ना, इन जनरल द गैसेस दे आर बेसिकली बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. लिक्विड्स एंड सॉलिड्स विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. सो इन जनरल क्या होता है, मेरे पास अगर एक सॉलिड है, ठीक है, हालांकि मैं ये चीज़ बाद में फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ सॉलिड और अ लिक्विड, इन सॉलिड और लिक्विड दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ यू नो एटम्स, राइट, और ये जो एटम्स होती है ना, इनका एज अ होल न्यूट्रल होता है. इफ़ यू जस्ट कंसिडर द न्यूक्ली, इट्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड. अगर हम लोग यू नो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच आर देयर, नाउ यू नो फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स कि हम लोग नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो मैंने कोई फील्ड अगर अप्लाई नहीं की तो एज अ होल इट इज़ न्यूट्रल, बट एज सून एज आई अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल सी दैट यू नो देयर विल बी दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. मतलब इफ़ यू कंसिडर द होल एटम और द होल सिस्टम, देखोगे कि एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस मूवमेंट हो रहे हैं, एक तरफ पूरा नेगेटिव चार्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ विच यू नो देयर इज एन इंटरनल फील्ड दैट इज गेटिंग क्रिएटेड. अगर दिस इज ऑल बेसिक दैट यू शुड नो, मेरे पास एक चार्ज प्लेट है, समझ लो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो ये तो जनरल केस हो गया. अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाला सॉलिड के अंदर, उसके अंदर भी वही हाल है, द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस गेट सेपरेटेड और उनके बीच में एक अप्रिशिएबल डिस्टेंस होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू आर गोइंग टू गेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दिस सिस्टम. तो इसका मतलब हमारे पास एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके ऊपर हमारे पास और एक फील्ड है विच इज़ बेसिकली यू नो डीपोलराइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन. देर इज़ अनदर फील्ड विच इज़ ऑल्सो गेटिंग क्रिएटेड, ओके, इनसाइड, और इन दोनों का जो डायरेक्शन है ना, ये ऑपोजिट में है. सो ये ऐसा बिहेव करता है अगर हमने सॉलिड लिया और गैसेस. सो इट इज़ वैलिड फॉर बोथ लिक्विड एंड सॉलिड बट नॉट फॉर गैसेस. गैसेस के लिए क्या होता है ना, द थिंग इज दे आर वेरी डिस्टेंस उनका बहुत ज़्यादा होता है, यू नो, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. इफ़ यू कंसिडर द एंटायर सिस्टम, ये जो डीपोलराइजेशन वाली फील्ड होती है ना, ये नेग्लिजिबल होती है. तो यहाँ पे सिर्फ मेरा अप्लाइड वाला फील्ड काम करता है. तो अगर हम मटीरियल लेंगे, डिपेंड करेगा वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके ऊपर अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो अगेन डिपेंड करेगा कि अंदर हमारे पास सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. तो लिक्विड और सॉलिड में वो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं, गैसेस में नहीं होते हैं. ठीक है, ये वाली जो एनालिसिस है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एंड कनेक्टिंग इट विथ पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी के बारे में बताएंगे. पोलराइजेबिलिटी के साथ जो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन. सो ये वाली हम डिराइव करेंगे, क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन. ठीक है, ये वाली मेरी है सॉलिड के लिए एंड लिक्विड के लिए. अगर गैसेस की बात करें तो हम लोग सिर्फ क्लॉसियस इक्वेशन लेते हैं. तो हम दोनों डिराइव करने वाले हैं, पहले हम गैस के लिए करेंगे उसके बाद इसके लिए. ठीक है, दिस इज फॉर गैसेस. सो दैट्स द एम फॉर द लेक्चर फॉर द नेक्स्ट टू और थ्री क्लासेस. तो ये वाली टॉपिक हमको अभी समझना है. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
तो अगर मान लो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और जो सिस्टम है वो लीनियरली रेस्पॉन्ड करता है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में मुझे एक वोल्टेज के बदले में मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है. सो इफ़ आई एम यू नो इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंटली द वोल्टेज इज ऑल्सो चेंजिंग एंड दैट विल बी हैविंग अ लीनियर रिस्पॉन्स. ठीक है, तो हम जब डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं ना, दैट इज़ यर लीनियर रिस्पॉन्स. सो इट इज़ लीनियर लीनियर रिस्पॉन्स. ओके, लीनियर रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे लीनियर रिस्पॉन्स है, उसका एक डाइपोल मोमेंट बनेगा. डाइपोल मोमेंट मतलब क्या है? मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का बीच में एक सेपरेशन है. दिस इज़ बेसिकली फॉर्मिंग अ डाइपोल, राइट? दिस इज़ फॉर्मिंग अ डाइपोल. ओके, डाइपोल विच इज़ हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और वी कैन ऑल्सो कंसिडर, यू नो, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेंगे तो वो भी एक डाइपोल फॉर्म कर रहा है. सो दीज आर ऑपोजिट नेचर चार्जेस. ठीक है, सो इट इज़ फॉर्मिंग अ डाइपोल. सो मेरे पास कुछ रिलेशंस है जो आप लोगों को पहले से जानने होंगे, एंड देन आई एम गोइंग नॉट गोइंग टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड. आप लोगों को याद नहीं है तो फिर भी हम लिखेंगे इसको और आप लोगों को होपफुली याद आ जाएगी. द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेरी क्या होती है? हमेशा हम उसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्मॉल पी है ना, दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द यू नो परमिटिविटी. तो कितना रेस्पॉन्सिव है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो परमिटिविटी हमें बताता है. तो ये डाइपोल मोमेंट उसके साथ प्रोपोर्शनल है अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो भी अप्लाई किया हुआ है. सो इट इज़ प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा. जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट इज एक्चुअली गिवन एज अल्फा. अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है हमारा पोलराइजेबिलिटी, राइट? सो इफ यू जस्ट राइट दिस डाउन, ई मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी मैंने अप्लाई किया है. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कि मेरा डाइपोल मोमेंट कितना है. ज़्यादा फील्ड दूंगा तो मोर सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, मतलब अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा. ठीक है, बट देन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट वी आर सेइंग इज, इफ यू आर जस्ट कंसिडरिंग फॉर गैसेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स इट. एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल बी हैविंग द पोलराइजेबिलिटी. ठीक है, और ये जो अल्फा है इसे हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ क्या? एटम और मॉलिक्यूल. तो जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है उनका पोलराइजेबिलिटी. ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला है, अब हम लोगों को याद रखना है, इस पे हम अभी बिल्डअप करेंगे. ठीक है, नाउ देयर इज अनदर टर्म विच इज एक्चुअली कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. अगर आप लोगों को याद हो, मैंने काफ़ी बार बोला है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि इफ़ यू कंसिडर अ कैपेसिटर, इनसाइड यू माइट हैव एयर, पेपर एंड ऑल, एवरीथिंग इज मोर और लेस अ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल. सो एयर जो है वो गैस है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, राइट? सो वी हैव समथिंग विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कनेक्टेड विद दिस. सो इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और इसे हम लिखते हैं कैपिटल पी. ठीक है, नोटेशन वाइज इट इज़ कैपिटल पी, मोस्ट ऑफ द बुक्स विल गेट दिस. एंड इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, दिस इज एक्चुअली सम ऑफ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट. इंडिविजुअल का मतलब क्या है? हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, हर एक एटम का चार्ज सेपरेशन होगा, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस विल गेट सेपरेटेड आउट. तो इन दोनों का अगर सबका अगर डाइपोल मोमेंट हम एक साथ ले लें तो हम इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. बट ऐसा नहीं है कि सबका डाइपोल मोमेंट लेके ऐड करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे, वहाँ पे मेरा जितना भी एटम है उनका डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है उनको अगर हम ऐड करेंगे वी विल बी गेटिंग दिस. ठीक है, सो इन जनरल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, जो एन है वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा एटम्स. ठीक है, और एन नंबर ऑफ एटम्स लेट्स से, और इसका जो यूनिट रहेगा दिस वुड बी मॉलिक्यूल्स पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अभी हमें और एक चीज़, और एक डिराइव्ड फार्मूला है जो बहुत पहले किया होता है लोअर क्लासेस में, बेसिकली अंडर ग्रेजुएशन में. दिस पोलराइजेबिलिटी कैन ऑल्सो बी रिटेन एज दिस,
डिपेंडिंग ऑन यू नो द कंडीशन, हम यहाँ पे ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के साथ वेरी करेगा. देर इज अनदर कॉन्स्टेंट दैट माइट बी देयर विच इज एक्चुअली कॉल्ड द ससेप्टिबिलिटी. सो अगर कोई भी मेरा मटीरियल यू नो इट हैज़ गॉट मोर ऑफ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये वाली आ जाएगी जो है ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला भी मुझे याद रखना है. ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम एक रिलेशन निकालने वाले हैं. सो फॉर दैट वी आर एक्चुअली हैविंग दिस बिल्डअप. पहले तो डाइपोल मोमेंट निकाल ली, उसके बाद हम बोलते हैं कि ये मेरी है डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है कैपिटल पी. ठीक है, और ये जो कैपिटल पी है मेरा, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू काई. सो काई इज बेसिकली नथिंग बट कॉल्ड इज द ससेप्टिबिलिटी. नेक्स्ट, अभी वी हैव गॉट वन मोर फार्मूला विच इज़ बेसिकली द फार्मूला फॉर डिसप्लेसमेंट. सो वेन एवर वी आर बेसिकली हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिस्टम, हमारे पास जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं उनका एक डिसप्लेसमेंट है, राइट. एंड दिस रिलेशन इज एक्चुअली गिवन बाई, ये वाली आप लोगों को याद होगी, दिस इज ऑल्सो डिराइव, एप्सिलॉन नॉट ई बार प्लस पी बार. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. अभी यहाँ पे मैंने जो निकाला है, अभी वी कैन एक्चुअली डिराइव एवरीथिंग एंड रिप्लेस इट. ठीक है, रिप्लेस क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहली बात तो ये वाली तो सेम रहेगी मेरी, एप्सिलॉन नॉट ई बार प्लस पी. नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल पी, कैपिटल पी इज एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये वाला देखा मैंने ऑलरेडी. एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट अल्फा एंड ई. ठीक है, बट it depends on how many molecules are there, so I'll write down this as capital NQ, because if you go by the definition, sum of the individual dipole moment, sum of the individual dipole moment matlab ek ka dipole moment hai alpha epsilon naught into e. agar hum log total atom lenge to hum bol rahe hain n number of atom hai, so n ko agar multiply kar denge we will be actually getting your polarization or dielectric polarization. so matlab ye capital p jo ho gaya na mera, ye ho gaya n. And then we have got alpha, alpha, then we have got epsilon naught, and then we have got E. अगर हम लोगों ने ये ले ली तो ये हम बोलते हैं इसको डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है, n से मल्टीप्लाई करना है बस, that's it. Right. So once we multiply this, we are, you know, going to get this result, which is this. ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने epsilon naught कॉमन ले लिया, तो मेरे अंदर जो बचा यहाँ पे बचा वन प्लस एन अल्फा, और ई भी हम कॉमन ले सकते हैं, राइट. तो एप्सिलॉन नॉट ई हमने कॉमन ले लिया, राइट. सो ई ऑल्सो कैन बी टेकन आउटसाइड. सो वी हैव गॉट वन रिलेशन दिस, एंड दिस यू नो इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई बार. ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, जो मेरा एप्सिलॉन आर है ना, वेयर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस एन अल्फा. ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली है वन प्लस एन अल्फा. ठीक है, ये याद रखो. उसके बाद हम और एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे. सो इट इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग योर फॉर्मूला एंड अप्लाइंग देम एट द राइट प्लेस टू गेट द आंसर. ऑल्सो और एक लगाएंगे अब यहाँ पे. ऑल्सो हमने ये भी बताया कि मेरा जो पोलराइजेशन है ना, उसका अलग फॉर्मूला और एक है, एप्सिलॉन नॉट ई बार प्लस इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी भी एक फॉर्मूला है हमारे पास. पोलराइजेशन ओके कैन ऑल्सो बी रिटर्न यूजिंग दिस फॉर्मूला, ससेप्टिबिलिटी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई. ठीक है, तो हम ये वाली फॉर्मूला भी लगाएंगे. तो वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन एज epsilon naught e bar into the susceptibility. तो यहाँ पे भी हम सेम कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली टेक यू नो epsilon naught and e कॉमन, सो वी कैन जस्ट टेक epsilon naught e कॉमन. सो दिस वुड बी वन प्लस दिस इज sky. ठीक है, वन प्लस sky, एंड देन वी कैन एक्चुअली टेक दिस e bar outside. ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर किया ना, ये वाला देखो, ये epsilon r है यहाँ पे और यहाँ पे है वन प्लस काय. सो देयर फोर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस काय. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिलता है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू माइट बी यूजिंग दिस लेटर.
बट देन इस वक्त हम ये डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस काय, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी के साथ मेरा रिलेशन जो है विद द डायलैक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है. देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज दिस काय इज इक्वल टू वन माइनस एप्सिलॉन आर. ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस रिलेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस एंड दिस इज द क्लोजेस्ट इक्वेशन, ठीक है. तो ये है वैलिड ओनली फॉर गैसेस, ठीक है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, काय is equal to 1 minus epsilon r is equal to, अब ये वाली क्या है मेरी, epsilon r is equal to 1 plus n alpha, मतलब 1 minus epsilon r, ठीक है, ठीक है. ये वाली मैंने उस साइड ले ली. या सर गुड आफ्टरनून सर, मैं मोहित कह रहा हूँ. या महेश, लेट्स जस्ट गेट दिस ओवर विथ एंड देन आई विल डिस्कस, ठीक है, कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए, ठीक है. सो काय इज इक्वल टू वन माइनस एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एन अल्फा, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द मॉड ऑफ दिस, ठीक है. तो हम नेगेटिव साइन यूजली कंसिडर नहीं कर रहे अभी, जस्ट आई एम टेकिंग द यू नो द मॉडुलस ऑफ दिस. तो ये वाली जो मेरी रिलेशन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस रिलेशन को हम बोलते हैं क्लॉसियस रिलेशन. सो आप लोगों अगर पूछा गया क्लॉसियस रिलेशन निकालना है फॉर गैसेस, यू हैव टू डिराइव दिस, तो जहाँ से हम लोग शुरू किए हैं वहीं से हम लोगों को ये डिराइव करके सिखाना है, ठीक है, बताना है. So this is Clausius relation, and then you have to remember this is actually valid only for gases. For gases. ठीक है, और ये वाली भी याद रखनी है मेरे को, ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है, not valid in condensed matter. कॉन्डेंस मैटर का मतलब क्या है, कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स आप लोगों को पता होगा, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव ब्रांच, राइट, यू स्टडी सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड ऑल, एवरीथिंग कम्स अंडर कॉन्डेंस मैटर, दैट मीन्स हम लोग लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहे हैं. जैसे ही डेंसिटी बढ़ जाती है ना मटीरियल की, वो कॉन्डेंस मैटर में आ जाता है, ठीक है. सो इफ यू स्टडी समथिंग विथ लिक्विड और सॉलिड, यू आर बेसिकली स्टडिंग समथिंग विच इज कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स. सो ये हो गया नॉट वैलिड इन कॉन्डेंस मैटर, एंड देन दिस इज वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर लिक्विड्स और सॉलिड्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यू नॉट वैलिड फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, बिकॉज ई लोकल, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने अंदर, इफ यू कंसिडर अ सॉलिड और अ लिक्विड विद इन द सिस्टम, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट इज लोकल, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लोकल है ना, इट इज नॉट इक्वल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड, क्योंकि उसमें अंदर में दूसरे फैक्टर्स रहते हैं जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है. इफ इट्स एन आयन, इट विल ऑल्सो क्रिएट अनदर एडिशनल फील्ड, सो दैट ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर, ठीक है. सो दिस इज नॉट इक्वल टू ई अप्लाइड इन लिक्विड सॉलिड. अभी अब मान लो कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, सो द क्वेश्चन माइट बी व्हाई द क्लॉसियस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर कंडेंस मैटर मटीरियल और लिक्विड्स और सॉलिड्स. आंसर रहेगा बिकॉज द अप्लाइड फील्ड विद इन द सिस्टम, दैट मीन्स ई लोकल, इज नॉट इक्वल टू द फील्ड दैट इज अप्लाइड इन द सिस्टम, ठीक है. सो इसकी वजह से हमारे पास ये वाला वैलिड नहीं होता है. तो आप लोग ये वाली ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है.